Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدق والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة صلوات محمد وآل محمد أجزاني كرامي اس عشرے میں اور ان مجلسوں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے معرفت امام علیہ الصلاۃ والسلام اور اسی کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے جو آج اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہے. ابھی تک ہم چند باتوں کو اس موضوع کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں اور کچھ گفتگو ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا خاکہ میں سننے والوں کے لیے عرض کر دوں تاکہ گفتگو مربوط ہو جائے. کیوں انسان کے لیے معرفت امام ضروری ہے اس پر گفتگو ہوئی. اس کا جواب یہ آیا تھا کہ اصل میں انسان کی ذمہ داری ہے معرفت رب پروردگار کو پہچاننا, مگر چونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو کی معرفت اس معنی میں حاصل کر سکے گی جو ہماری بحث ہے, لہٰذا اس کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ یہ تھا کہ انسان پھر اللہ کے ان بندوں کو پہچانے اور ان کی معرفت حاصل کرے جنہیں خدا نے اپنے صفات کا مظہر بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. چنانچہ اس بات کو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فقرے سے لیا گیا ہے کہ جہاں امام نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے جب صاحب نے سوال کیا کہ ما معرفت اللہ, اللہ کی معرفت ہے کیا, تو امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم, ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچان دینا, یہی اللہ کی معرفت. لہذا اب انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. ہم نے ایک سیر کی ہے ان چند مجلسوں میں اور ایک نظر ڈالی ہے تاریخ کے اوپر کہ ہر زمانے میں
और हर अहद में हर इमाम के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो यही थी कि कभी किसी दौर में भी किसी इमाम को उसके ज़माने के लोगों ने नहीं पहचाना। चुनांचे सारी बहसें तफसील से की जा चुकी हैं, हमें आइम्मा के इर्द गिर्द मजमा नज़र आया, भीड़ नज़र आई, लोग नज़र आए, मगर ये भीड़ थी इसमें बामारिफत लोग नहीं थे। भीड़ और भेड़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बल्कि कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले सिर्फ लहजे के पढ़ने का एक फ़र्क है और न लिखने में भी फ़र्क नहीं और न दोनों के किरदार में कोई फ़र्क है, जैसे भीड़ वैसी भीड़ होती है। लिहाजा हमें भीड़ तो नज़र आई है मासूमीन के इर्द गिर्द, लेकिन उसमें साहिबान मारिफत नहीं मिला है। और हर इमाम का अपने ज़माने के लोगों से जो शिकवा था वो यही था कि लोगों ने आइम्मा को पहचाना नहीं। मैं जल्दी से एक खाका पेश कर रहा हूँ, चूँकि अक्सर लोग जो हैं वो आज पहली बार इस बहस में दाखिल हो रहे हैं, लिहाजा गुफ्तगू मरबूत हो जाए उनके लिए भी। अब मसला ये था कि ख़ुद मारिफत किसे कहते हैं, क्या चीज़ है मारिफत, मारिफत ईमान जब हम कहते हैं तो इससे मुराद क्या है। तो ये बात भी हो चुकी, ये बहस भी हो चुकी कि मारिफत से मुराद सिर्फ ज़ात ईमान की मारिफत काफ़ी नहीं है। इंसान 10 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में पहचान ले कि ये इमाम है, ये ज़ातन इमाम को पहचानना है, ये काफ़ी नहीं है। ये किसी हद तक लोग पहचान रहे थे इस तरीके से आइम्मा को। मसला जो मुतालबा है दीन का वो सिफात के एतबार से इमाम को पहचानना है, यानी इमाम को सिर्फ ज़ातन पहचानना काफ़ी नहीं है, सिफात के एतबार से पहचानना है। ये इमाम है ये एक मारिफत का बहुत ही मुख्तसर और मामूली सा नमूना है, मगर ये इमाम कैसा है ये असल में मारिफत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद, चुनांचे जब हम इस बहस में वारिद हुए तो बहस हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि ज़रा सा इसका जायज़ा लिया जाए कि आखिर ये मुश्किल क्यों आ रही थी इंसानों के साथ कि वो आइम्मा को पहचान नहीं पा रहे थे, क्यों मारिफत इमाम से दूर थे और जिसके नतीजे में वो अपने ज़माने के इमाम से दूर थे। उसकी एक वजह पे बहस परसों से शुरू हुई थी, तो परसों कुछ गुफ्तगू हुई और कल गुफ्तगू, और वो वजह ये थी कि इंसान की हर दौर में जो अहम तरीन बड़ी मुश्किल रही वो ये थी कि इंसान ने खुद अपने को नहीं पहचाना। इसलिए कि इसके बाद का मरहला है कि वो अपने ज़माने के इमाम को पहचानेगा। तवज्जो करें यार, क्यों खराबी हुई, ये नक्स क्यों पैदा हुआ, क्योंकि इंसान ने अपने आप को नहीं पहचाना, खुद अपनी मारिफत नहीं हासिल की। चुनांचे अमीर कायनात की हदीसें मुसलसल पेश की गई, इसमें इमाम ने फरमाया है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले जिसमें इमाम ने फरमाया था कि हलक इमरून, लेकिन सलाम एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद, वो इंसान हलाक हो जाएगा कि जो अपनी कदर न पहचानता हो, अपनी कीमत न जानता हो। चुनांचे गुफ्तगु कीमत तक आई थी कि इंसान की कीमत क्या है और इंसान किन किन चीज़ों के बदले में अपने आप को बेचता है, और सुबह शाम इंसान बहरहाल बेचता है। चुनांचे इमाम ने इंसान के इल्म और इंसान की जहालत के लिए जिस चीज़ को मेयार बनाया है वो यही है कि इमाम ने फरमाया अलआलिमु मन अरफा कदरा, आलिम वही है जो अपनी कीमत जानता हो। तवज्जो करिए, वह कफा बिल मर ए जहलन, और इंसान की जहालत के लिए काफ़ी है अल्लाह यारिफ कदरा कि वो अपनी कीमत से आगाह ना हो, यानी सब कुछ जानता हो लेकिन अगर अपनी कीमत नहीं जानता, इमाम कह रहे हैं ये जाहिल है, और अगर कुछ नहीं जानता मगर अपनी कीमत जानता है, इमाम कह रहे हैं ये आलिम है। तवज्जो, ये सब नहजुल बलागा है। लिहाजा इंसान की अहम तरीन जिम्मेदारी यह है कि वो किसी और चीज़ या किसी और ज़ात को पहचानने से पहले सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि खुद अपने आप को पहचाने, खुद अपनी मारिफत पैदा करे कि बनाने वाले ने उसे क्या बनाया है, बनाने वाले ने उसके वजूद में कितने जौहर रखे हैं, बनाने वाले ने उसे कितना कीमती बनाया है, कितना अजीम बनाया है कि जा बजा कसीदा पढ़ रहा है परवरदिगार। इंसान ज़रा अपनी अपने वजूद के ऊपर गौर तो कर कि खालिक ने तुझे कितना अजीम बनाया है,
यही वजह है कि जब इंसान अपनी अजमतों, अपनी बुलंदियों और अपनी सलाहियतों से नाशना होता है तो कभी इनके सामने जानू अदब तय करता है, कभी उनके सामने झुक जाता है, कभी किसी और चीज के हाथों अपने आप को बेच देता है। क्यों? इसलिए कि असल कीमत से अपनी आगाह नहीं है। मगर जो इंसान अपनी कीमत से आगाह है, और ये बात अर्ज की गई थी, अब उसे दोहराना मकसूद नहीं है, मगर बात को मरबूत कर दूं कि इस दुनिया में हर शय अपनी कीमत रखती है, तो इंसान भी अपनी कीमत रखता है। और कीमत होती ही उस किसी चीज की इसलिए है ताकि उसे बेचा और खरीदा जा सके। कीमत होने का और कोई मकसद नहीं है, ताकि वो चीज बेची और खरीदी जा सके। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है ही नहीं कि जिसकी कीमत न लगे या जो न बिके। तवज्जो करिएगा, अब इसके ज़हन में जो बातें अर्ज कर चुका हूं उधर नहीं जाऊंगा। आज एक नई हदीस आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि जो बिल्कुल बात को और वाज़े कर रही है। इमाम दहुम इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अलबत्ता हम जिस मौजू का अहद व इरादा करके हमने इस गुफ्तगू को शुरू किया था इन मजालिस में, वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। आज ये तीसरी गुफ्तगू हो गई है और अभी उन अल्फाज के जिन्हें गुफ्तगू का उनवान करार दिया है, हम उसके तारुफ तक नहीं पहुंच पाए, और कोशिश ये करेंगे किसी हद तक आज वारिद हो जाए बहस में। चुनांचे दसवें इमाम इस पूरी कायनात की जो मिसाल देते हैं, एक मार्केट से इमाम फरमाते हैं, दुनिया सुकुन, इस दुनिया को आप कितने नाम दे सकते हैं, दुनिया ये है, दुनिया वो है, दुनिया वो है। इमाम फरमाते हैं कुछ नहीं है दुनिया, अब दुनिया सुकुन, ये पूरी कायनात सिवाय बाजार के और कुछ नहीं है। ये बात मजबूत हो गई हमारी, अब दुनिया सुकुन, इस पूरी कायनात की मिसाल बाजार से ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये पूरी कायनात सिर्फ एक मार्केट है बस। तवज्जो कीजिएगा, रबे हाफीहा कौमन व खसे राखरून, इस मार्केट में जाना हर एक को है, बस फर्क है नतीजे में। कुछ लोग इस मार्केट में जाएंगे, जब पलट के आएंगे तो प्रॉफिट लेके लौटेंगे जैसे दुनिया के हर बाजार में होता है, व खसे राखरून, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बाजार में जब जाएंगे तो खसारा करके आएंगे, नुकसान उठा के आएंगे। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले, तो ये मुनाफा और प्रॉफिट या नुकसान किस चीज में होना है इंसान को, कवई जो सबसे असल कीमती गौहर इसके पास है, जो जौहर इंसानियत इसके पास है, तवज्जो करें, जो नफ्स इसके पास है और पाकीजा तरीन नफ्स जो कुदरत ने इसे दिया है, इसलिए कि नफ्स के अंदर जो कुछ भी गंदगियां पैदा होती हैं, जो कुछ भी खराबियां पैदा होती हैं, वो बनाने वाले का कसूर नहीं है। उसने हर इंसान को एक तैयब ताहिर पाकीजा नफ्स दे करके इस दुनिया में भेजा है, उसने कहीं से कोई फर्क नहीं किया। तवज्जो करिएगा, बिल्कुल ताहिर और पाकीजा एक नफ्स लेकर के इंसान इस दुनिया में आता है। अब इस दुनिया के बाजार में वो जितना सैर करता चला जाता है, अगर अपने आप को अपने दामन को बचा करके नहीं चल रहा है तो उसी नफ्स के ऊपर दाग लगते चले जाते हैं। तवज्जो करिएगा, उसी नफ्स के ऊपर खराबियां गंदगियां आनी शुरू हो जाती हैं। कल की बहस में एक बहस और भी थी, तवज्जो करिएगा, और वो ये है कि इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक जिस्म और एक रूह। तवज्जो करिएगा, आइम्मा क्यों आए हैं, अंबिया क्यों आए हैं, ताकि इंसान के अंदर रूहानी कमालात को पैदा किया जाए। तो बहुत सारे कमालात वो हैं कि जिसका ताल्लुक इंसान के जिस्म से है, बहुत सारी सिफतें और कमालात वो हैं कि जिनका ताल्लुक इंसान के नफ्स और उसकी रूह से है। और जो करिएगा, आदम से लेकर के जनाब ईसा तक और जनाब पैगंबर इस्लाम तक जितने नबी आ रहे हैं, ये सब इंसान को नफसानी एतबार से कमाल की तरफ लाने के लिए, बुलंदियों की तरफ लाने के लिए। कौन कौन से नफसानी कमालात क्या क्या है, जागती हुई सलवार पढ़ ले मोहम्मद वाले। इंसान के नफसानी कमालात कौन कौन से हैं, कुछ बातें कल अर्ज की थी इसके तहत। मसलन सखावत, ये इंसान की और रूह का कमाल है। मसलन शुजाअत, ये इंसान की रूह का कमाल है। मसलन ईसार,
ये इंसान की रूह का कमाल है। मसलन उखुवत और भाईचारगी इंसान की रूह का कमाल है। मसलन हमदर्दी ये इंसान की रूह का कमाल है। ये सारी वो सिफतें हैं कि जो इसका ताल्लुक इंसान के जिस्म से नहीं है, इंसान की रूह से है, और इन सिफात को रूह हासिल करती है इंसान के नफ्स के अंदर ये सिफतें पैदा होती हैं। अभी चाहे ये हो चाहे इसके मद्दे मुकाबिल हो, मसलन सच्चा होना या झूठा होना ये इंसान के जिस्म की सिफत है या रूह की। हम ये समझे कि जबान बोल रही है तो ये जबान या सच्ची है या झूठी है, जी नहीं, ये खसूसियत इंसान के नफ्स की है, यानी ये नफ्स या सच्चा है या झूठा। तवज्जो करें, जैसे शुजाअत इंसान के नफ्स का हिस्सा है वैसे ही बुजदिली भी इंसान के नफ्स का हिस्सा है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि हमने जो तुमको सादा नफ्स देकर के इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया के बाजार से जब लौटो तो अपने नफ्स में शुजाअत लेकर के आओ या बुजदिली। तवज्जो करिएगा, सदाकत लेकर के आओ या झूठ, ईमानदारी लेकर के आओ या बेईमानी। तवज्जो करिएगा, ये सारी वो सिफतें हैं कि जिसके लिए अंबिया को भेजा गया, किताबों को नाजिल किया गया, मौजदात को भेजा गया, बयानात भेजे गए। ये सब क्यों था? ताकि इंसान को उसके किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से बुलंदी तक पहुंचाया जाए। तवज्जो करें, अखलाक यानी वही खुल्क, इंसान के नफसानी सिफतें। और तवज्जो करिए, चुनांचे पैगंबर ने खुद इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक, मुझे सिर्फ इसलिए भेजा गया ताकि मैं इंसानियत को अखलाक की आला तरीन मंजिलों पर पहुंचा दूं। यानी जो काम अंबिया धीरे धीरे कर रहे थे और किसी न किसी मंजिल तक इंसान को पहुंचा रहे थे, पैगंबर क्यों आए हैं? ताकि इंसान को उसके नफसानी कमाल के एतबार से बिल्कुल बुलंदी के ऊपर पहुंचा दें। अब जिस नफ्स में जितनी सलाहियत हो उसको उतनी बुलंदी तक पैगंबर पहुंचा दें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसलिए कि मसला ये भी तो है, अंबिया की जिम्मेदारी ये नहीं है कि जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींचते हुए किसी को ले जाएंगे, जी नहीं, ले उसी को जाएंगे जो खुद जाना चाह रहा हो, और अगर जाना नहीं चाह रहा है तो न नबी ले जाएगा, न रसूल ले जाएगा, ना इमाम ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। पहले खुद इसके नस में सलाहियत हो कि इस बुलंदी तक पहुंच सके। तवज्जो करिएगा, वरना जलवे रिसालत वही है। वो तवज्जो कीजिएगा, जलवे रिसालत वही है कि जो एक साथ अपने तमाम असहाब के ऊपर पड़ रही है। तवज्जो करिएगा, ये जलवा पड़ रहा है। एक साथ पैगंबर अलग से बिठा करके किसी को खुसूसी कोई तालीम नहीं देते थे कि तुम रात में आ जाना ट्यूशन लेने के लिए, मसलन तुम्हें तन्हाई में कहीं बिठा के पढ़ाएंगे, जी नहीं, वही मजमा पैगंबर के सामने बैठता था, वही रिसालत गोया होती थी, वही मस्जिद, वही मिंबर, वही खुतबा, वही गुफ्तगू, मगर जिसके नस में जितनी सलाहियत थी पैगंबर के कलाम से उतना ही बुलंदी तक पहुंचता चला गया। जी नहीं, और वादे कर दें, कोई पांचवें दर्जे पे जाके रुक गया, कोई छठे दर्जे पे पहुंचा, कोई सातवें पे पहुंचा, कोई नवे पे, कोई दसवें पे। फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, क्या है? जिस नफ्स में जितनी सलाहियत होगी पैगंबर कमाल तक ले जाने के लिए आए हैं, मगर जिम्मेदारी यह है कि खुद आपके नफ्स में कहां तक जाने की सलाहियत है। एक सलवात और पढ़ ले मोहम्मद वाले, क्यों? अगर नहीं जाना चाहोगे तो तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता है। अच्छा, सिर्फ हक के रास्ते के लिए नहीं है, यही गलत रास्ते के लिए भी है कानून, कि हमने तुम्हारे नफ्स के ऊपर किसी और को कंट्रोल दिया ही नहीं। तवज्जो करिएगा, एक तो नई बहस ना शुरू हो जाए, मगर मैं जल्दी से इसको मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूं, हमने नफ्स के एतबार से तुम्हारे ऊपर किसी को कंट्रोल दिया ही नहीं है जब तक कि खुद तुम अपने नफ्स की बागडोर उसके हाथों में ना देखो। चाहे अच्छे रास्ते पर जाना हो, कोई बड़े से बड़ा नबी, बड़े से बड़ा इमाम, अगर तुम हक के रास्ते पे ना आना चाहो तुम्हें ला नहीं सकता। चौंसे तारीख भरी पड़ी है, जिन्होंने इरादा नहीं किया आने का, सब कुछ हो गया मगर वो हक तक नहीं आए। तो बिल्कुल ऐसे ही दूसरा रास्ता भी है, यानी जहन्नम का रास्ता, सीधे सीधे कहते कि अगर तुम नहीं जाना चाहोगे तुम्हें दूसरा कोई ले नहीं जा सकता, जाना तुम्ही को है। तवज्जो करिएगा,
इस रास्ते पर जाओगे तुम्हारी मर्जी, उस रास्ते पर जाना है तुम्हारी मर्जी, हमने दोनों रास्ते तुम्हारे लिए खोल करके बयान कर दिए, इसकी भी हिदायत कर दी, उसकी भी हिदायत कर दी। तवज्जो करिए, हद ये है कि शैतान की जबान कुरान ने नकल कर दिया, अब उससे बढ़कर के दो बहकाने वाला कोई नहीं पैदा होगा ना भाई। कुरान ने शैतान की जबान और शैतान के जुमलों को बयान कर दिया कि शैतान वो है। वकाल शैतान व लम्मा कुदियल अम्र, शैतान क्या कहेगा जब फैसला कर दिया गया, यानी जब महशर में कयामत के दिन लोगों के हक में फैसला हो जाएगा कि आपको इधर जाना है आपको इधर जाना है, आप इधर तशरीफ लाइए आप उधर जाइए, अब जब फैसला कर दिया गया काल शैतान, तो शैतान सब बोलेगा। और ये दरमियान की गुफ्तगू कुरान ने नहीं की है, मगर ये बात अक्ल में आती है कि ये किससे बोल रहा है शैतान और क्यों बोल रहा है। ऐसा लगता है कि जो लोग जहन्नम की तरफ भेजे जाएंगे ये शैतान की तरफ आएंगे कि तुमने तो फंसा दिया, तुम्हारी वजह से जा रहे हैं। अब शैतान क्या जवाब दे रहा, कुरान ने इसे नकल कर दिया, वकाल शैतान, तो शैतान इनसे कहेगा, और एकदम सच्ची बात ना होती तो इस कौल को नकल करके फिर कुरान कोई हाशिया जरूर लगाता, मगर कुरान ने कोई हाशिया नहीं लगाया, इसका मतलब यह है कि शैतान जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वकाल शैतान लम्मा कुदे अल अम्र, और शैतान ने उस वक्त ये कहा जब फैसला कर दिया गया लोगों के बारे में, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, एक वादा तुमसे अल्लाह ने किया था उसका वादा सच्चा था, तवज्जो की, वबादतुकुम फखलक्तुकुम, और एक वादा हमने तुमसे हमने किया था, हमने अपनी बात को से तुमको धोखा दिया, हमने अपनी बात से इख्तलाफ किया, हम मुकर गए अपने वादे से। कितनी साफ बात कर रहा है कि तुम्हारे पास दो वादे आए थे, तुम्हारे पास दो दावतें आई थी, एक अल्लाह की एक मेरी, उसका वादा सच्चा था मेरा वादा झूठा था, तुम तो जानते ही मैं शैतान हूं। तवज्जो, उसके बाद एक फकरा कहता है शैतान, और देखो अल्लाह ने हमको तुम्हारे नफ्सों पर कोई कंट्रोल नहीं दिया था, हमें तुम्हारे नफ्स के ऊपर कोई काबू नहीं हासिल था, इल्ला सिवाय इसके कि हमने तुम्हें दावत दी, फस्तजिब तुम ली, तुम मेरे दावत के पीछे पीछे चले। तो कुरान है, तवज्जो करिए, शैतान करे, एक वादा अल्लाह ने किया था, एक मैंने किया था, अल्लाह का वादा सच्चा था मेरा वादा झूठा था, मुझे तुम्हारे नफ्सों पर कोई काबू हासिल नहीं था सिवाय दावत देने के, लिहाजा मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने खुद इत्तबा की है, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तो देखो आज मुझ पर लानत मलामत ना करो, जितनी लानत करनी हो अपने आप पर करो। तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो करिए, तो ना इस रास्ते पर ले जाने वाला कोई तुम्हें जबरदस्ती ले जाएगा, और ना हक के रास्ते पर ले जाने वाला कोई तुम्हें जबरदस्ती ले जाएगा, हाँ हमने एक साफ सुथरा नक्स तुम्हारे हवाले किया है, बस जिम्मेदारी इतनी है कि जब तुम्हें पलट के आना है हमारी बारगाह में तो इसे पाकीजा लेके आना है बस। वो तवज्जो करिए, हम तुमसे अलग से कुछ नहीं चाहते, हमने नफ जैसा पाकीजा दिया था, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि जब पलटोगे हमारी बारगाह में तो हम तुमसे ये पाकीजा नफ वापस लेंगे। और तवज्जो करिए, ये कितनी कीमती शय है कि जो इंसान के हवाले की गई है, और यही वो चीज है, यही वो रूह है, वह यही वो नफ्स है कि जिसका खरीदार जमाना भी है और इसी का खरीदार परवरदिगार भी है। और तवज्जो करिएगा, ये इतना कीमती जवाहर है कि इसी का खरीदार जमाना भी है, इसी का खरीदार परवरदिगार भी है, दुनिया भी हर वक्त इंसान के लिए दरवाजा खोले हुए है, आओ अपने आप को बेचो। तवज्जो करिएगा, आओ अपने आप को बेचो, चुनांचे सुबह शाम इंसान अपना सौदा करता रहता है, अपने आप को बेचता रहता है, क्यों? इसलिए कि अपनी हकीकत से आगाह नहीं है, अगर अपनी कीमत से आगाह हो जाए तो किसी के हाथों बिक नहीं सकता। तवज्जो करिएगा, बिक नहीं सकता, ये इतना कीमती जौहर है कि खुद खालिक भी खरीदने को तैयार है। चुनांचे उसने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बअन्न लहुमुल जन्ना, वो परवरदिगार भी मोमिनीन से उनके नफ्सों का खरीदार है और उनके माल का खरीदार है, किस चीज के बदले में? जन्नत के बदले में। अब समझ में आया कि नफ्स जो इंसान को दिया गया ये कितना कीमती सरमाया है इंसान के पास।
वो तवज्जो करिएगा, मैं एक बहस तक ला करके गुफ्तगू को रोकूंगा। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। बहुत तवज्जो करें, एक जाती हुई सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाले। और ये सब लफाजी नहीं कर रहा हूं अपनी जानिब से कि खतीबाना कोई अंदाज है और खिताबत कर रहा हूं, जी नहीं, ये इतना कीमती गौहर दे करके तुम्हें दुनिया में भेजा कि जब तुम पलटो तो मुझे वैसा ही चाहिए जैसा मैंने तुम्हें दिया था। तवज्जो करिएगा, अब वक्त इतना महदूद, एक सलवात और पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तवज्जो करिएगा, कहां इसकी दलील। कोई बात जब कोई मोतबर जबान कह दे तो यूं ही उसका एतबार होता है, अगर वो अपनी बात को और ज्यादा दिलों में उतारने के लिए कसम खा के कह दे और ज्यादा, एक के बाद दो कसम खा करके कह दे, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक बात कहने के लिए अगर कोई ग्यारह कसम खाए और कसम खाने वाला भी माबूद हो, उसने बहुत सी जगहों पे कुरान में कसमें खाई हैं। अब कसम का पूरा एक फलसफा है, वो बहस छेड़ नहीं सकता मजबूरी में, मगर उसने एक कसम खाई, दो कसम खाई, तीन कसम खाई, जो कहना था आगे कह दिया। तन्हा पूरे कुरान में एक मकाम है जहां लगातार ग्यारह कसमें खाई गई, तवज्जो करिए। और वो ग्यारह कसमें कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्से वदुहा वल्कमरे इदा तलाहा वन्नहारे इदा जल्लाहा वल्लैल इदा यक्षाहा वस्समाए वमा बनाहा वल्अर्ज़ वमा तहाहा वनफ्स वमा सव्वाहा। ग्यारह कसमें, फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा। ये ग्यारह कसमें खा करके एक बात कही जा रही है कि हमने हर नफ्स के ऊपर इस चीज का इल्हाम कर दिया है कि सही क्या है गलत क्या है। वो तवज्जो करिएगा, उसके बाद फौरन कहता है कद अफलहा मन ज़क्काहा। ग्यारह कसमों के बाद ये कह रहा है, समझ लो कि अगर कामयाब होना है तो उसका एक रास्ता है कि जो नफ्स दिया गया है उसे पाकीज़ा बनाए रखना। सलवात पर मोहम्मद वाले। तवज्जो करिएगा, कद अफलहा मन ज़क्काहा, जो अपने नफ्स को पाकीजगी पर कायम रखेगा, जो तस्किए नफ्स करेगा, जो नफ्स को पाक व पाकीजा रखेगा। क्यों? इसलिए कि हमने ये गौहर, हमें तुम्हारे जिस्म से बहुत काम नहीं है, जिस्म एक जाल की सूरत में तुम्हें दिया गया, इसी दुनिया से मिट्टी मंगाई थी हमने, इसी से जिस्म बनाया था, मगर रूह उधर की डाली गई थी। एक दिन हम इस रिश्ते को तोड़ देंगे, जिस्म अलग हो जाएगा, रूह अलग हो जाएगी, तो मिट्टी जहां से गई थी वहीं पलटा देंगे, ये इसी जमीन से गई थी यहीं पे मिलकर खत्म हो जाएगी, मगर रूह नफ्स जहां से आया था वहीं पलटेगा, तो जैसा आया था वैसा ही चाहिए। और तवज्जो करिएगा, जैसा दिया था वैसा ही चाहिए। कद अफलहा मन ज़क्काहा, बहुत तवज्जो करिएगा, ये मैदाने अदालत परवरदिगार है, ये हिंदुस्तान का कोई ऑफिस नहीं है जहां कोई और रास्ता निकल आए। तवज्जो करिएगा, ये अदालत है परवरदिगार, और ये ग्यारह कसमों के बाद एक बात आपको बताया है कि याद रखना, अफलाह कामयाब होना। तवज्जो करिएगा, कामयाबी एक चीज में छिपाई है हमने, वो क्या है? मन ज़क्काहा, जो अपने नफ्स को पाक कर ले। तवज्जो, क्यों? गंदा तुमने किया है तो पाक तुम करोगे। हमने दुनिया में जितने इंसान पैदा किए, चाहे वो किसी जंगल में पैदा हुआ हो, चाहे मुतमद्दिन शहरों में पैदा हुआ हो, चाहे किसी गांव और देहात में पैदा हुआ हो, गोरा हो काला हो, इससे कोई बहस नहीं। हमने हर आने वाले नफ्स को, हर आने वाले इंसान को एक तैयब व ताहिर और पाकीज़ा नफ्स दे करके इस दुनिया में भेजा है। जब वो पलटे तो मेरी बारगाह में चमकता हुआ नफ्स चाहिए। साफ कुरान कह रहा है, इसका कोई रास्ता है? इस सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये जो बहस की गई है, मैंने बहुत सी बातें जो है वो दरमियान से छोड़ देता हूँ, क्योंकि वक्त ये दामन में गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल मगरिब का वक्त लगा रहता है, वरना इन सबको मरबूत आप करते चलेंगे। ये बिला वजह आपको
मारिफत इमाम, मारिफत इमाम, अपने जमाने को इमाम को पहचानो, अपने जमाने के इमाम को पहचानो, ये बिलावजा अल्लाह को कोई शौक नहीं है, मगर असल में आपके तजकिए का कोई और रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने इमाम की बस में आ जाओ। ये आपकी मजबूरी है, ये तो रास्ता दिखा रहा है कि देखो तुम सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं उठाओगे अगर अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर चले आए। क्या मतलब है? जितनी मारिफत बढ़ती चली जाएगी उतनी ही गुर्बत बढ़ेगी, तवज्जो करिएगा, और जितनी ही गुर्बत बढ़ती चली जाएगी तो चूंकि ये तैयबो ताहिर हैं तो हमें भी तैयबो ताहिर बनाएंगे, ये पाको पाकीजा हैं तो हमें भी पाको पाकीजा बनाएंगे। और फिर ये लफाजी नहीं है, आप तारीख में उन अफराद को उठा करके देख लें कि जो अपने जमाने के इमाम से जितना करीब होता चला गया उसका नफ्स वैसा ही पाकीजा बनता चला गया। जी नहीं, अब आपको आइम्मा के किरदार की झलक उनके गुलामों में नजर आएगी। तवज्जो करिएगा, इतना चमकाया इस नफ्स को, इतना पाकीजा बनाया। शायद मेरे पास दो चार मिनट हो तो मैं जल्दी से इसको और वादे कर दूं अपने नौजवानों बच्चों के लिए। बात दूसरे मकाम पर मैंने पढ़ा भी है इसको, शायद इस जगह को नहीं पढ़ा। चाइना में एक बादशाह था, वो मजलिस खत्म इसी को, चाइना के एक बादशाह का वाक्य है, ये तकरीबन 700 साल पहले के किसी बादशाह का। बादशाहों का एक शौक ये होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें बनवा दें, महल बनवाना, इमारत बनवाना, बिल्डिंगें बनवाना, ये बादशाहों का काम रहा है। तो उसके दिल में भी ख्वाहिश हुई कि मेरा एक आलीशान दरबार होना चाहिए, ऐसा कि जब किसी मुल्क के बादशाह के पास ना हो। उसमें उसने अपने शहर के लोगों को बुलाया जो इस काम के माहिरीन थे, उसने बताया कि मेरा ये इरादा है, मेरी ये ख्वाहिश है, उनका बन जाए, बहुत तेज चल रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। उसने कहा बन जाएगा, काम बन तो जाएगा, नक्शा बना, पास हुआ, सब कुछ बादशाह ने ओके किया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। काम शुरू हो गया, धीरे धीरे बनने लगा, वो एक साल में बना, दो साल में बना, इससे बहस नहीं है, बिलाखिर महल बन करके तैयार हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही, 2 साल पहले ही मैं पढ़ रहा था उनके ऊपर, और जहन में नहीं है बादशाह और किशन की, तकरीबन 700 बरस पहले की बात, महल बन करके तैयार हुआ, बन गया। तो दूसरा अहम तरीन काम क्या होता है किसी बिल्डिंग के बनने के बाद? रंगो रोगन, डेंटिंग पेंटिंग, और इसमें हुनर दिखाया जाता है। तो हुनर बदल गए हैं, वरना आप पुरानी इमारतों को देखें तो आप देखें उसमें कैसे कैसे रंगों का इस्तेमाल, कैसे कैसी तस्वीरें उभारना, कैसी कैसी पेंटिंग्स, ये दीवारों की शान होती है। उसने कहा भाई अब ये काम होना, तो इसके माहिर कारीगर कहाँ है दुनिया में? जहां भी हो, जितना भी पैसा ले, उन्हें बुलाया जाए। तो बादशाह के इर्द गिर्द जो लोग बैठते थे उसमें दो राय बन गई। कुछ ने कहा साहब ये बड़ी बेइज्जती होगी, हम बाहर से कारीगर बुला, जिस मुल्क के बादशाह के पास भेजेंगे खत के, आप अपने यहाँ के बेस्ट कारीगर भेजिए, वो कहेगा अच्छा इनके पास ऐसे कारीगर नहीं, बड़ी बेइज्जती होगी। लिहाजा जो भी काम लेना है अपने मुल्क के कारीगरों से लेना। कुछ लोगों का नहीं साहब ये जज्बाती होने का मौका नहीं है, हमें काम अच्छा चाहिए, जिसके पास हुनर है उससे काम लिया जाए। बादशाह ने बहुत सोचने के बाद एक रास्ता निकाला, और यही असल बात है जो करनी है। उसने कहा भाई एक रास्ता है, आप लोगों की राय का भी एहतराम, आपकी राय का भी एहतराम, आप बताएं दुनिया में कहाँ। उन्होंने बताया यूरोप के फला मुल्क में, फला इलाके में बड़े अच्छे कारीगर और पेंटर रहते हैं जो बड़ी अच्छी तस्वीरें डिजाइन करते बनाते हैं। क्या आप खत लिखें बादशाह को वहाँ के, उससे मांगे, आपसे कहा कि आप अपने मुल्क में तलाशें यानी चाइना में जो सबसे बेस्ट हो उसे लाएं। अब दोनों कारीगर इकट्ठा हो गए। बादशाह ने कहा कि इस महल को बीच से एक टेम्परेरी पार्टीशन से अलग कर दिया जाए, इसके दो हिस्से कर दिए जाए, एक हिस्सा अपने मुल्क के कारीगरों को दे दिया, एक हिस्सा यूरोप से आने वाले कारीगरों को दे दिया, दोनों के आने जाने के रास्ते अलग। का तुम्हें जो कुछ सामान चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जो कुछ कहोगे ला करके देंगे, जो सबसे खूबसूरत हुनर तुम दिखा सकते हो, हमने तुम्हें एक दीवार दे दी है, इस दीवार पे अपना हुनर दिखा दो। इनसे भी कहा कि आप अपना जो सबसे बेहतरीन हुनर दिखा सकते हैं एक दीवार पर दिखा दें, क्योंकि बीच से पर्दा है, पार्टीशन है, न ये इसको देख सकते हैं, न ये उसको देख सकते हैं, न ये इनकी नकल कर सकते हैं, न वो उनकी नकल कर सकते हैं। तवज्जो करिएगा, काम शुरू हो गया। और बादशाह रोज खबर लेता था अपने वजीर से कि भाई कुछ खर्चा वर्चा का, अपने मुल्क के जितने कारीगर हैं वो तो रोज आना एक लिस्ट लिए रहते हैं, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये इतना कलर लग गया, इतना ये सामान।
और वो साहब जब से आए हैं रोज जाते हैं शाम को निकल आते हैं, कोई एक सामान आज तक उन्होंने मांगा ही नहीं हमसे, पता नहीं कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। बहरहाल होता रहा होता रहा होता रहा, एक दिन वो आया कि जिस दिन काम मुकम्मल हो गया अब इस महल को लोगों के लिए खोला जाना है। भीड़ एक इज्तिहाम, तवज्जो करिए, लोग महल देखने आ रहे हैं, इतने बरस से बन रहा है और दो अलग अलग मुल्कों के कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया है, एक दीवार पे एक का हुनर, एक दीवार पे एक का हुनर, तवज्जो करिए। अब बादशाह ने कदम रखा अपने हाली मवालियों के साथ, दरमियान से उस पार्टीशन पर्दे को हटाया गया, तो बादशाह को ये देख करके इसका ताज्जुब का ठिकाना न रहा कि जो तस्वीर इस दीवार पर है बेने वही तस्वीर इस दीवार पर है। ये क्या हो गया, कहीं दोनों ने आपस में मुलाकात कर ली, कैसे इधर की तस्वीर उधर मुंतकिल हो सकी है? तवज्जो करिएगा, ये क्या हो गया, कहीं से कोई फर्क नहीं, जो नक्काशी इधर वही नक्काशी उधर, जिस फूल पत्ती में जो कलर इधर उस तरीके का कलर इधर। बादशाह बहुत हैरान में कि आखिर ये कारनामा कैसे हो गया, और तवज्जो करिएगा। तो बहरहाल अपने मुल्क के कारीगरों से पूछने के बजाय उसने बाहर वालों से पूछा, गुफ्तगू तमाम अजीजों, जो बात कहना चाह रहा था वो नतीजा का, भैया ये बताओ कि ये हुनर हुआ कैसे, तुमने इनकी कॉपी की है या उन्होंने तुम्हारी कॉपी की है? कहा बादशाह सलामत, असल में हम लोग बाहर के आए हैं, हमें क्या मालूम कि आपका मिजाज क्या है, लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ अगर आप तवज्जो, हमें क्या मालूम कि आपका मिजाज क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंदीदगी किस चीज़ में है, आपको कौन से कलर अच्छे लगते हैं, कौन से डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, तो हमारे लिए नई तस्वीर बनाना बड़ा मुश्किल था। कबीर का तस्वीर असल दीवार पे आपके मुल्क के कारीगरों ने बनाया है, क्योंकि आपके मिजाज से आशना थे, तवज्जो करें, आपके मिजाज से आशना थे। का मगर नजर तो इधर भी आ रही है, का हमने तस्वीर नहीं बनाया है, पत्थर की दीवारों को इतने दिनों तक हमने सिर्फ पॉलिश किया है, तवज्जो करिए, हमने सिर्फ इसको माजा है, रगड़ते रहे हैं, इतना माजा, इतना साफ किया, इतना साफ किया कि मिसले आईने के चमक रही है, तस्वीर एक जानिब है, तवज्जो करिएगा, नजर दो तरफ आ रही है, बात समझे कि क्या हो गया। अब एक जुमला कह रहा हूं अदीदो, वक्त दामन में गुंजाइश नहीं है, कुछ ऐसा ही मुतालिबा परवरदिगार भी कर रहा है कि तुम चूंकि सही हमारे मिजाज का अंदाजा नहीं लगा सकते, लो हम तुम्हें कुछ लोगों के करीब किए देते हैं जो हमारा मिजाज जानते हैं, तुम्हें कुछ और नहीं करना है, नफ्स को इतना माजो, इतना माजो कि उनके किरदार की झलक तुम्हारे किरदार में। तवज्जो कीजिएगा, असल में हदफ इमाम तक लाने का यह है कि ये मिजाज इलाही से आशना है, ये मशीयत इलाही से आशना है, ये अल्लाह की पसंद और नापसंद को जानते हैं, तुम्हें इनसे जोड़ा गया है कि तुम इनसे करीब रहो और काम ये करो कि अपने नफ्स को पाकीजा बनाओ, अपनी रूह को इतना चमकाओ, इतना साफ करो, इतना साफ करो कि अब इनके अहले बैत के किरदार की झलक तुम्हारे किरदार में नजर आने लग जाए। एक और जाती हुई सलवार पढ़ ले, चुनांचे ऐसा हुआ। अब चूंकि वक्त तमाम हो गया, तो जल्दी से आपको ऐसे असहाब की पूरी फहरिस्त मिल जाएगी कि जिनके किरदार में उनके जमाने के आइमा की झलक नजर आती थी। एक फिजा में आवाज थी तन्हा, मालिक तेरा कोई सजदा तेरी जन्नत के लालच में नहीं किया, तेरे जहन्नम के खौफ में नहीं किया, तुझे लायक इबादत समझा तो सर झुकाया। ये कौन था? ये इमाम वक्त था। कुछ लोगों ने अपने इमाम की सोहबत में चंद दिनों रह करके अपने किरदार को इतना पाकीज़ा बनाया कि अब शबे आशूर मक्तल ये लिखता है कि असहाब हुसैनी से इस तरीके से तस्बीह और तहलील और तकदीस की आवाज़ आ रही थी कि जैसे शहद की मक्खी के छत्ते के पार से भनभनाहट की आवाज़ आती है। ये कौन लोग थे जो इबादतों में बसर कर रहे हैं रात को? ये कौन है कि जो सजदे में गिरा हुआ है? ये कौन है कि जो रुकू में झुका हुआ है? ये वो लोग हैं जिन्हें इमाम जमानत दे चुके हैं, मुतमईन रहो तुम्हारी जन्नतों की जमानत हुसैन देता है। यानी ये अब ये सारी रात जो इबादत है, न ये जन्नत के लालच में है, न ये जहन्नम के खौफ में है, क्यों है?
का ये सिर्फ और सिर्फ खुदा को लायक इबादत समझ करके इबादत हो रही है। लीजिए किरदार अली इब्ने अबी तालिब की झलक असाद हुसैनी के किरदार में। तवज्जो, और ये तो बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चे वो जज्बा रखते हैं कि जो आपको जज्बा सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब के किरदार में नजर आएगा। हर मैदान में तेज आगे बढ़कर के लड़ते थे, लोगों ने पूछा आपको खौफ नहीं लगता, कहा नहीं, इसी एक आरजू और तमन्ना में तो हर मैदान में आता हूँ कि शायद शहादत नसीब हो जाए। खौफ कैसा कि पीछे हटे। ये अली हैं, वो अली का पोता है कि कुल 13 बरस की उम्र में शब आशूर अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में है। उसका इमाम एक फहरिस्त पढ़ रहा है, कल कौन कौन इस मैदान में अपनी शहादत को पेश करेगा, कौन कौन कुर्बानी देगा। आदिलो, ऐसे में ये नन्हा सा बच्चा बैठा हुआ गौर से सुन रहा है, शायद चचा अब मेरा नाम ले, शायद चचा अब मेरा नाम ले। मगर जब इमाम ने गुफ्तगू तमाम कर दी और कासिम का नाम नहीं लिया तो ये नन्हा सा बच्चा तड़प करके उठा और चचा के करीब आकर कहता, चचा क्या मेरा नाम नहीं है फहरिस्त में? ये आरजू है, ये इश्तियाक है परवरदिगार से मुलाकात, ये आरजू और तमन्ना है शहादत की। क्यों, इसके रगों में अली इब्ने अबी तालिब का लहू है। इमाम बजाय जवाब देने के एक सवाल करते हैं, या बुनैया कैफल मौत इंदक, ए मेरे लाल जरा ये तो बता कि मौत तेरी निगाह में कैसी है। क्या बचपने का जवाब दिया है, क्या हसीन और खूबसूरत जवाब दिया है। चचा मौत वो भी दीन की नुसरत में, आप की नुसरत में आहला मिनल हसन, शहद से ज्यादा शीरी। ये भी पता चल गया कि शायद इस बच्चे को शहद बहुत पसंद है, लेकिन बचपने की फितरत है कि किसी भी चीज को उसी चीज से नस्बत देता है जो उसके लिए महबूब है। शहद से ज्यादा शीरी यानी कासिम की नजर में अभी तक शहद सबसे मीठी है, मगर जब नुसरत ईमान का मौका आ जाए तो मौत शहद से ज्यादा मीठी है। काश मेरे पास वक्त होता कि इस पर ठहर सकता, मगर गुजरता हूँ। इमाम ने बात को यकीनी बनाने के लिए एक जुमला कह दिया, मेरे लाल तो मुतमईन रहो, तुम ही क्या, कल तो तेरा 6 माह का भैया भी कत्ल होगा, कल तो 6 माह का असगर भी कुर्बान होगा। अभी सही से खुश भी नहीं हो पाए थे, अपनी शहादत पर इत्मीनान भी ना हुआ था कि घबरा करके खड़े हो गए, चचा मेरा भैया तो 6 माह का है, वो तो मक्तल में भी नहीं जा सकता, क्या आज किया खेमों में आ जाएंगे। अल्लाह रे गैरत बनी हाशिम, कासिम ये बर्दाश्त न कर सके कि फौजें खैमों में आ जाएं। इमाम कहते हैं नहीं नहीं, मैं खुद अपने लाल को लेकर के मक्तल में जाऊंगा। ए अज़ीज़ो, मैंने आज सुबह भी अर्ज किया था कि अब वो दिन नहीं है कि मसाइब सुन के रोया जाए, नहीं अब मसाइब पढ़ने ही का दिन नहीं है। क्या इतना काफी नहीं है सोचना कि आज 7 मुहर्रम है? नहीं नहीं, मैंने भी गलत कहा, 7 मुहर्रम भी गुजर गई, आज खेमों में एक कतरा आपका नहीं है, एक कतरा पानी का नहीं है। आज बच्चे प्यासे हैं, आज से खयामे हुसैनी से सदाए लतश बुलंद हो रही है, अलतश अलतश। तवज्जो करें अभी, दो नन्ना सा बच्चा है, रात गुजरी सुबह हो गई, एक बाद एक कोई ना कोई मैदान में जाता है, अपनी जान को कुर्बान करता है। ये 13 बरस का बच्चा बार बार चचा के पास आता है, चचा मुझे भी मक्तल में जाने की इजाजत दे, चचा मुझे भी मक्तल में जाने की इजाजत दे। इमाम किसी ना किसी बहाने से लौटा देते हैं, अगर गैरतदार चचा हो तो औलाद से ज्यादा भतीजे को चाहता है, और वो भी जब भतीजा यतीम हो, मरहूम भाई की निशानी हो। तवज्जो, कभी कहते हैं कासिम कैसी बात कर रहे हो, बेटा तुम अपनी माँ के जीने का सहारा हो। ए मेरे लाल, तेरी माँ किसके सहारे जिएगी? कभी कासिम आते हैं तो कहते हैं मेरे लाल तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो, तुम्हें कैसे मक्तल में जाने दें, किसी न किसी बहाने से वापस खैमे में भेज देते हैं। थक करके कासिम आए खैमे में, सर को घुटनों में डाला और सिसक सिसक के रो रहे हैं। माँ ने देखा करीब आई कासिम, मेरे लाल ये वक्त खैमे में बैठने का है, मेरे लाल खेमे में बैठने का वक्त है। सर उठाया, चेहरा आंसुओं से तर है, अम्मा क्या करें, बार बार चचा के पास जाते हैं मगर चचा मक्तल में जाने की इजाजत नहीं दे रहे।
माँ भी खामोश हैं, तवज्जो करिएगा क्यों, इसलिए कि इमाम सिर्फ चचा नहीं, हुसैन सिर्फ चचा नहीं है, हुसैन इमाम वक्त हैं, तवज्जो। और इमाम का एहतराम इस खानवादे से बेहतर कौन जानेगा, लिहाजा सर को झुका लिया, कौन सी सूरत बनाई जाए कि हुसैन इजाज़त दे दें। अचानक माँ को कुछ याद आया, हाथों को बढ़ाया, कासिम के बाजू पर रखा, जैसे कुछ तलाश रही है। अम्मा क्या हुआ, क्या मेरे लाबी मेरे तेरे बाजू पे एक तावीज़ है, ज़रा इसे खोल, ज़रा इसे खोलो। कासिम ने तावीज़ खोल दिया, अम्मा ये कैसा तावीज़ है, आपने बड़े तावीज़ देखे होंगे, माँ बाप बच्चों के गले में पहनाते हैं, बाजुओं पे बांधते हैं, मगर आज तक जितने तावीज़ बांधे हैं माँ बाप ने, सब बच्चों की हिफाजत के लिए बांधे गए होंगे, सब बच्चों की लंबी उम्र के लिए पहनाए गए होंगे, है ना। ये तन्हा एक तावीज़ है कि जो अपने बच्चे को कुर्बानी के लिए पहनाया गया है। माँ ने कहा मेरे लाल जरा इस तावीज़ को खोलो। अम्मा ये कैसा तावीज़ है, कासिम तो चूंकि बहुत छोटे थे, कहा मेरे लाल तेरे बाबा का वक्त आखिर था, सारा घर इर्द गिर्द जमा था, मैं भी तुझे आगोश में लिए खड़ी थी कि अचानक सारी वसीयतों के बाद तेरे बाबा ने मुझसे तुझे मांगा था, मैंने तुझे तेरे बाबा की तेरे बाजू पे ये कह के बांधा था कि उम्मे फरबा कासिम से कहना जब हालात खराब हो जाए, जब मुश्किल वक्त आ जाए, जब कोई बहुत ज्यादा मसाइब से दो चार हो जाए, तो इस तावीज को खोल के पढ़ें और उस पर अमल करें। ए मेरे लाल, हुसैन के होते हुए आज तक कभी ऐसे हालात पैदा ही नहीं हुए कि मुसीबत का एहसास हो, लिहाजा कभी तावीज़ न खोला गया, मगर मेरे लाल अब इससे बढ़ के मुसीबत कब आएगी। ए मेरे लाल जरा तावीज़ खोल। माँ बेटों ने उस बात की तावीज़ खोली है, अभी वो आंखों से बहते हुए लाश ठहर गए, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, अम्मा मिल गई इजाजत, अम्मा अब तो चचा को इजाजत देनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, क्या है, भाई का खत भाई के नाम लेकर के मुस्कुराते हुए आए, चचा अब तो आपको इजाजत देनी पड़ेगी। क्यों कासिम, का ये बाबा का खत आपके नाम है, गुर्बत में भाई को भाई की तहरीर मिली, इतने जमाने के बाद भाई का खत देखा, लबो रुखसार से लगाया, चूमा, खत को पढ़ना शुरू किया है। खत क्या है, कासिम के नाम है, पैगाम मेरे लाल कासिम, देखो करबला के मैदान में मैं तो न रहूंगा, मगर जब तुम्हारा चचा नरगए आदा में घिर जाए तो मेरे लाल खबरदार, अपने चचा पर जान कुर्बान करने से गुरेज न करना। और उसके बाद जो खास नुकता है वो देखें, ये तरबियत है औलाद की, कहते हैं कि अगर हुसैन तुम्हें इजाजत न दे मक्तल में जाने की, तो ये नहीं कह रहे कि मैं भी तो इमाम हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं चले जाओ, नहीं, अल्लाह अकबर, ये इमाम है, ये मर्तबा इमाम है, क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। ए मेरे लाल, चचा अगर तुम्हें मक्तल में जाने की इजाजत न दें तो इतनी बार जाना, इतनी मिन्नतें करना कि तुम्हें मजबूर होकर के हुसैन इजाजत दे, तवज्जो करिए, तुम्हें हुसैन को इजाजत देनी पड़ जाए। तो ये पढ़ते ही कासिम झुके, चाहते हैं चचा के कदमों पर सर रख दे, चचा मुझे भी इजाजत दे दे। इमाम ने उठा के सीने से लगाया, मक्तल कहता इतना रोए, इतना रोए कि दोनों बेहोश हो गए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अब मुझे नहीं मालूम कैसे होश में लाए गए, मगर होश में आने के बाद चचा भतीजे को लिए हुए खेमे में आए, एक संदूक खोला, मजलिस तमाम अज़ीज़ों, संदूक खोला, एक अमामा निकाला, ये भाई की निशानी है। उस अमामे को छोटा किया, भतीजे के सर पे रखा, भाई की तस्वीर को गौर से देखा उसे, मजलिस तमाम अज़ीज़ों, कहते इतने कमसिन है कासिम कि अपने से घोड़े पे सवार नहीं हो सकते। हुसैन ने और अब्बास ने कासिम को घोड़े पे सवार किया। लो मजलिस खत्म हो गई। भतीजा इजाजत लेके निकलना चाहता है कि एक मतलब इमाम ने कहा कासिम ठहरो। कासिम ने लिजाम फरज को खींचा, रुका घोड़ा, हुसैन आगे बढ़े, हाथों को बढ़ाया, कासिम के गरीबान को पड़ रहा, मक्तल है दीदो, कासिम के गरीबान को हुसैन ने चाक कर दिया। जन्ना का बच्चा है, इमाम की हिकमत नहीं समझ पाया, गौर से फटे हुए गरीबान को देखा, पलट के चचा को देखा, चचा अभी तक आपने ऐसा किसी के साथ नहीं किया, ये आपने मेरा कुर्ता क्यों उखाड़ा। जवाब सुनिएगा इमाम के, दे मेरे लाल, अरबों में ये यतीमों की निशानी है, अरबों में ये यतीमों की निशानी है, मैं तुझे इस तरीके से मक्तल में भेजना चाह रहा हूँ, शायद कोई तुझे यतीम समझ के रहम कर दे, मगर अल्लाह रे
ये वो यतीम था जो घोड़े के टापों से पामाल होता रहा, चचा को आवाज दे रहा था, ए चचा मदद को आइए, हुसैन सरहाने आए। और रूह निकल चुकी है, जिस्म को सीने से लगाया, लेके खेमे की तरफ चले, पैर जमीन में। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तगन सुभान अल्लाह।